भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह अब राजनीति में कदम रखने जा रही हैं। एक्ट्रेस अब सिंगिंग और एक्टिंग के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी अपना दमखम दिखाएंगी। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का दामन थाम सकती हैं। बताया जा रहा है कि भोजपुरी एक्ट्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगी। वही आपको बता दें कि इससे पहले भी एक्ट्रेस ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी, जिसके बाद पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया गया। वही दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में एक्ट्रेस जनसुराज पार्टी की प्रत्याशी हो सकती हैं, साथ ही उन्हें सांसदी का टिकट भी मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक अक्षरा सिंह ने प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर के उनकी पार्टी की सदस्यता लेने का निर्णय लिया है। प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज यात्रा निकाल रहे हैं और गांव-गांव में घूमकर लोगों को राजनीति को लेकर जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान वो बिहार की महागठबंधन सरकार से लेकर बीजेपी पर हमला बोलने से नहीं चूकते हैं। खासतौर पर उनके निशाने पर लालू की पार्टी, राजद और नीतीश कुमार रहते हैं। वही अक्षरा सिंह की बात करें तो उनका भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा नाम है और सोशल मीडिया पर हरदम छाई रहती हैं। अक्षरा का जन्म मुंबई में हुआ है। उनके माता पिता भी भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेस के तौर पर काम कर चुके हैं। अक्षरा को बचपन से ही एक्टिंग का शौक है, जो आखिर में उनका करियर बन गया। अक्षरा सिंह 50 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं। रवि किशन, निरहुआ, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जैसे कई बड़े भोजपुरी स्टार्स के साथ फिल्में कर चुकी हैं। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो अक्षरा सिंह की गिनती भोजपुरी की बड़ी एक्ट्रेस के तौर पर किया जाता है।